नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से कंचन टीवी पर। बहुत सारी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई जिसमें प्राइवेट बसों का कसूर दिखाया गया, एक्सीडेंट उन्होंने कर दिया, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। ये प्राइवेट बस आप देख लीजिएगा, इसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, ड्राइवर यहाँ पर है। ड्राइवर भाई इधर आ जाइए, क्या क्या नाम है आपका? बलराज। क्या हुआ है? कुछ नहीं, एक बीच में आगे क्रॉस कर रहा था, एक बीच में आगे धक्के से खड़ा हो गया रोड के बीच में जी। उसने एकदम साइड लग गई, इस साइड लगी है। हाँ, इस साइड। बाइक थी? नहीं नहीं, खाली नशे में है, दारू पी रहा, कुछ नहीं ले रहा था, पैदल था। उसको चोट लगी है? हाँ, चोट लगी। मालिक गाड़ी, मालिक कंडक्टर। हाँ, सवारी के मौके पर। बहन जी, गाड़ी में तो क्या हुआ था, किसकी गलती थी? इस साइड तो बाइक खड़ी थी जी, इस साइड दो, एक तो इतनी की दूरी में ऐसे था जी, इससे पीछे जाके अगे वाला तो चल दिया, बस आने लग रही। बस आ रही। हाँ, अगे वाला चल दिया, पीछे वाला इस साइड से आया तो उन्हें सामने तो देखा ही नहीं जी, सामने ऐसे निकलने लगा। मतलब कसूर उसका था सीधा। हाँ, वो बिना देखे आ गया, बगैर देखे आ गया। ना तो उसने बस देखी, ना उन्हें अगे अगली साइड देखी, ना पिछली साइड, सामने ही चले आ रहा। यानी कसूर उसका था। हाँ, कसूर क्या नशा कर रखा था उसने? पता नहीं, देख नशा तो देख मैंने तो चेक कहा। कहाँ गए आप बहन जी? कलाथ के। कलाथ से? हाँ, दो बार। आप आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे आप? हम उड़ा जा रहे हैं, हरियाणा। हरियाणा जा रहे थे आप लोग भी बस में थे? हाँ जी। क्या देखा, कैसे एक्सीडेंट हुआ? वो जी साइड से आए, एकदम एकदम से आ गया, एकदम से। ड्राइवर का कसूर है? ड्राइवर का तो नहीं, कोई कसूर नहीं था जी। आपने देखा? हाँ जी। आप भी गाड़ी में थे? हाँ जी। कौन सी असम से आ रहे थे आप? हाँ जी। तो एकदम से वो सामने, वो एकदम से। हाँ, ना उसने पीछे देखा, ना आगे देखा, कुछ नहीं देखा, वो क्रॉस। तो अगर ड्राइवर एकदम से ब्रेक मारता तो चोट लगती सवारियों को? सभी को। आप भी थे भाई साहब? हाँ जी सर, मैं इसी साथ में था। ऐसे था, ये एकदम भाई जो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वो एकदम बस के आगे आया और 10 फुट तक मेरे हिसाब से वो घिसरता गया। तो उसका कसूर है, और सवारी भी बोल रही है कि ड्राइवर का कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल कसूर नहीं है हमारे को, बसों का कसूर निकल जाता हर बार। हाँ हाँ, कई बार ऐसा होता आदमी जानबूझ के अड़ जाता है जी जी। तो इस भाई का कोई कसूर नहीं है, बेशक हमारे से अब दोबारा भी पूछ लेना। मैं पाई गाँव से हूँ, कैथल जिले का हूँ। कैथल से आप? हाँ। आगे जा रहे थे आप? हाँ, स्पीड तो तक मेरे को। बस में थे भाई? हाँ, बस में। क्या देखा आपने, क्या हुआ है? बस यही, वो एकदम आगे थे, एकदम इस साइड से लिकड़ के आया। वैसे ड्राइवर ने तो बहुत कोशिश करी है, इस साइड कट भी मारा है, इसको बचाया जाए, फिर भी एकदम से। हाँ, लेकिन सवारी थी, क्या करता वो? सवारी फिर बस फुल भरी हुई थी, अगर ये ब्रेक एकदम मारता तो और सवारी को चोट लग सकती। चलिएगा, जो दर्शक अभी जुड़े, मैं बता दूं कि ये प्राइवेट बस असंद से सफीदो आ रही थी और यहाँ पर एक व्यक्ति टक्कर लगी है, वो व्यक्ति के व्यक्ति साइड में पड़ा है। भाई साहब कहाँ है वो बंदा, कहाँ है अभी? हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल लेके गए? कौन लेके गया? हमारा मालिक लेके गया, मालिक खुद लेके गया, कंडक्टर लेके गया। चलिए देखिएगा, अक्सर कहा जाता है कि ड्राइवर एक्सीडेंट करती है बसें, भाग जाते हैं, लेकिन इस बार लेके गए। ताई आप भी बस में थे? बस में थे ताई? ये देखिए ठीक करो यार भाई, मैं तो बीच में थी, मैंने नहीं, आपने नहीं मेरा लगा, टक्कर लगी किसे का? मैंने नहीं, मेरे बेटे पापा ने बीच में। आपने देखा? हां जी। की होया साइड में कौन था वो? अच्छा अच्छा, इसका कोई खोट नहीं, इसका कोई खोट नहीं, इसका खोट नहीं। चलिए भाई साहब बात कर लेते हैं, एक लो बात कर आइएगा। ये जितनी भी सवारियां हैं इस बस में है, और यहाँ पर सभी सवारियों से बात कर सकते हैं। बस भरी हुई थी, असंद से आ रही थी, और एक्सीडेंट एक बंदे ने कर दिया। इस बस का कसूर नहीं बताया जा रहा, लेकिन कसूर हमेशा बड़ी गाड़ी का निकाल दिया जाता है। इसीलिए ड्राइवर भाई ने हमसे संपर्क किया, क्योंकि बस का अक्सर दिखाते हैं, कंचन टीवी आपको दिखाता है कि प्राइवेट बस वाले एक्सीडेंट कर देते हैं, चोट मार देते हैं। भाई के पास कंचन टीवी का नंबर था, तो सीधा मुझे कॉल किया। कॉल करके बलराज मुझे कहता है कि भाई साहब मैं ड्राइवर बोल रहा है, ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी पे एक बंदे ने आगे आ गया, टक्कर उसको लगी, चोट लगी, हम उसको हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन मेरी बात दिखाए। बलराज भाई, कंचन टीवी को आपने कॉल किया, किस क्यों कॉल की थी आपने? क्योंकि ड्राइवर का कसूर चलता है ना। हाँ। ये जो धारा लगा रखे 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना, हम कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? ये 15,000 रुपया नौकरी लेते हैं, नहीं बता 7 लाख में कहाँ से दूंगा? बिल्कुल, जबकि कसूर नहीं आपका। ये मैं 10 साल के लिए जेल में चला जाऊंगा तो मेरे बच्चे ना कौन पालेगा? कितने बच्चे हैं? एक लड़की है जी मेरा, एक। चलिए चलिए, और सवारियां हैं जो ऊपर, मैं एक बार ऊपर उनसे भी बात करता हूँ। मैडम भी थे, बात कर लेते हैं। मैडम जी, अगर आप बचना चाहते हैं तो साइड में हो जाइए, आप मेरे आगे आगे चलेंगे तो आप ही से बात करूँ। बाबू जी, आप भी बस में थे? कैसे टक्कर कैसे लग गई? गाड़ी चल रही थी, खड़ा था
एकदम एकदम से खड़े हो गए। एक बार इधर गया गाड़ी वाले ने फिर गाड़ी काटी। कोशिश की ड्राइवर ने? हाँ जी, ना बचाने की कोशिश करी। चलिए चलिए, बहन जी हैं, आप कैमरामैन को कहूंगा ऊपर। बहन जी, आप यहीं बैठे थे जब बस चल रही थी? तो आपने तो पूरा देखा? मैंने देखा जी। तो एक्सीडेंट हुआ वो देखा आपने? मैंने देखा, मैं तेनू बैठी थी जी। अच्छा, इसे ने देखा है बेबे ने? बहन जी आपने देखा, कैसे क्या हुआ? आप यहीं बैठे थे? यहीं बैठी थी मैं। अच्छा, इस साइड ऐसे देख रही थी मैं जी। इस ये खेसी वाला खड़ा ना, इस साइड खड़ा था, बस बिल्कुल स्लो चल रही थी जी। पहले वाला दो कदम आगे गया, फिर पीछे वाला ब्रेक मार गया। अच्छा, अगला तो टपली आई है दौड़ी पट्टी के पास, फिर पिछला जब जमा बस ऊपर आ गई ना, फिर निकला वो। तब निकला, तब निकला। यानी कि कसूर बस का तो नहीं है? बस वाले का नहीं है, बिल्कुल ना ना ना, बस वाले का गलती है, लड़के की गलती, लड़के की गलती। चलिए, माता जी भी कह रहे हैं रकम मंदी थी, कम थी, स्पीड भी कम, ड्राइवर कमी थी, कमी थी। चलिएगा, अभी अभी शायद उसके परिवार वाले भी आए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पीछे से एक बाइक आई है, कौन आया भाई साहब, देख लेते हैं जी। भाई साहब, कुछ नहीं, बात ठीक है। तो अब अगर आपकी बात हुई है मालिक से, कैसी हालत है उसकी? ठीक है जी। चोट ज्यादा तो नहीं है? ना ज्यादा नहीं है, बोलने लग रहा है, बोलने लग रहा है। सिविल हॉस्पिटल सभी तो लेके गए? ना जी, असंध लेके गए। चलिए, आप घबराइए नहीं भाई, आपका कसूर नहीं है। सारी सवारियां भी कह रही हैं घबराइए मत, डरिए मत। सब सवारियां कह रही है कि कसूर बस का नहीं था। बस का कसूर नहीं है, जो 1% भी बस का कसूर नहीं है ना बाबा। आइयो बलराज, अपना इसका कोई कसूर नहीं है। बंदा आया है एकदम आगे आया है एकदम मौके पे। हम आप सवारी थे? नहीं, सवारी नहीं, हम यही खड़े थे मौके पे, यहीं पे हम। उस टाइम ये भाई है ना, ये सरकार ने 7 लाख वाला कानून कराया ना, ये सरकार ने 7 लाख वाला कानून कराया ना, जब से तो आगे आने के लिए मरने के लिए तैयार हो रहे हैं पब्लिक। ड्राइवर के सिर होने के लिए, ड्राइवर के सिर होने के लिए चल रहे हैं। बिल्कुल सिर रोड़ा कर क्या मैं, अरे वो कानून उन्हें देना। चलिएगा भाई साहब, आप ले जाइएगा सवारियों को। और ये वीडियो बैठो भाई रे, ये वीडियो क्यों हम बना रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट बसों का बड़ा कसूर निकल जाता है। आइए आइए आइए, इधर आइए भाई साहब जी। क्या कह रहे हैं आपके मैडम? चैनल को प्रणाम करते हैं हम। यो कानून लागू किया ना, यो बहुत गलत किया है, हम तो इसी बारे में। चलिएगा, अब ये बस है, ड्राइवर छोड़ के आएगा, सवारियों को छोड़ के आएगा, क्योंकि उसका कसूर नहीं है, किसी ड्राइवर का कसूर नहीं, वो खुद आया है। सारी सवारियां यही बात कह रही है, ड्राइवर की सूझबूझ से ये पूरा मामला आपके सामने हम ला पा रहे हैं। कंचन टीवी का दफ्तर ऑन रोड है, तो बस यहाँ पर रुकी, उसने कहा कि भाई मेरा कसूर नहीं, सवारियों से पूछ लीजिए, और ये सवारियां यही कह रही हैं कसूर उनका नहीं है। अब आप बताइए कि जो कानून लाया जा रहा है हिट एंड रन का, जो नया लॉ लाया जा रहा है, क्या वो सही है गलत है? जो जो बेचारे 10,000-15,000 की नौकरी करते हैं, अपना परिवार पालते हैं, वो कहां से 7 लाख और 10 साल की सजा को भुगतेंगे? ये जरूर बताइएगा। बने रहिए कंचन टीवी के साथ, हरियाणा आज के साथ।